कोई सवाल है भाई जो पिछली क्लास में हमने बातें पढ़ी हैं? हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ लिया था बाय द वे? हमने साइन अप की एपीआई इंटीग्रेट कर ली है, हमने लॉगिन की एपीआई इंटीग्रेट कर ली है, और हमने क्या कर लिया था अपने जो ऐप डॉट जे एस के अंदर ना, एक छोटा सा काम ये कर लिया था कि उसमें आइडेंटिफाई कर लिया था कि हमारा यूज़र इस वक्त लॉगिन है या नहीं है ना? और डिपेंडिंग ऑन कि वो लॉगिन है या नहीं है, मैंने उसको क्या करना था, डिफरेंट इंटरफेस दिखाना था, दैट इज़ कॉल्ड ऑथ गार्ड, ठीक है? लेकिन हमारे पास इशू क्या आ गया था, हमारे पास इशू ये आ गया था कि जो हम लॉगिन की इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं वो समहाउ मुझे उसको ऐसी जगह पे रखवाना है जो पूरी की पूरी ऐप में अवेलेबल हो, ठीक है? एंड दैट इज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो हम आज कॉन्टेक्स्ट एपीआई को एक्सप्लोर करेंगे और फिर हम अपने ऑथ गार्ड वाले टॉपिक को क्या करेंगे, हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले जो पिछली जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उससे मुतालिक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में एक बात बताता चलूँ मैं, इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ आ जाता हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास एक अदद रिएक्ट की एक ऐप मौजूद है जिसमें हमारे पास ऐप डॉट जे एस की फाइल को मैंने ओपन किया हुआ है और इसके अंदर मैंने एक स्टेट वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है? तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई इज जस्ट एन स्टेट वेरिएबल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है वो, ठीक है? लेकिन वो स्टेट वेरिएबल क्या होता है, वो एक ऐसी जगह पे बना हुआ होता है, वो एक ऐसे स्टाइल से बना हुआ होता है कि वो दो तीन चार तमाम कंपोनेंट्स में मौजूद होता है, ठीक है? जैसे कि रिएक्ट की जो डिफाइनिंग फीचर है रिएक्ट का, वो है वन वे डेटा फ्लो, कि जी पेरेंट से चाइल्ड तक डेटा जा रहा होता है प्रॉप के ज़रिए, लेकिन अगर चाइल्ड से वापस पेरेंट में वो डेटा लाना हो तो दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो इसको पॉसिबल करने के जो तरीक़े हैं वो कई तरीक़े हैं, उनमें से एक ये है कि हम कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं, ठीक है? अच्छा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई इसका नाम रखा है रिएक्ट वालों ने, ठीक है? इससे पहले इसको बोलते थे हम डेटा स्टोर, ठीक है? इससे पहले हम इसको क्या बोलते थे, डेटा, जैसे एक होता है ना कि फ़ोन है, तो फ़ोन कौन सा है जी, तो पिक्सल 5 है फ़ोन, ठीक है? लेकिन एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे उस चीज़ का नाम क्या है, वो मोबाइल फ़ोन है, ठीक है? तो नाम इसका कॉन्टेक्स्ट एपीआई है, लेकिन ये जो चीज़ है एक्चुअली ये डेटा स्टोर है। तो डेटा स्टोर और भी अवेलेबल है मार्केट में कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अलावा, जिसमें रिडक्स बड़ा मशहूर है, हम वो कवर नहीं कर रहे हैं इस क्लास में, ठीक है? उसके अलावा मोबेक्स है, पता नहीं और एक दो और भी हैं जो लोग इस्तेमाल करते रहे हैं पास्ट में। अच्छा, हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्यों एक्सप्लोर कर रहे हैं और हम रिडक्स को क्यों नहीं पढ़ रहे, उसका रीज़न है कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई रिएक्ट का ऑफिशियल है, ठीक है? रिडक्स जो है वो एज अ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हम उसको इस्तेमाल करते थे, तो क्योंकि अब रिएक्ट ने खुद से कॉन्टेक्स्ट एपीआई अपना बना दिया है तो हमें वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा, वो सारे काम जो रिडक्स के अंदर होते थे वो सारे काम कॉन्टेक्स्ट एपीआई में भी हो जाते हैं, और इवन के जिन लोगों ने रिडक्स लिखी थी कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी उसी लड़के ने लिखी है, ठीक है? जब उसने, चालाक लड़का था भाई वो, उसने रिडक्स लिखी 2016 में, और लिख के जब उसने देखा मेरी कंपनी अच्छी चल रही है तो उसने बेच बाज के फारिग कर दिया वहाँ पे ना, पैसे वैसे कैश कर लिए और कंपनी बेच दी। उसके बाद फेसबुक ने उसको क्या कर लिया, हायर कर लिया अपने पास, और उसी बंदे ने फिर फेसबुक वालों को जो है वो बना के दे दिया कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ठीक है? तो एक ही चीज़ बंदा जब सेकंड टाइम बनाता है तो बेटर बनाता है पहले से, तो उसके अंदर ये सारे काम हो रहे होते हैं। और मेरे हिसाब से जो मुझे जितना समझ आता है कि रेडक्स से तो बेहतर तरीके से हो रहे हैं और समझने में भी ज़रा वो रेडक्स के मुकाबले में आसान है, ठीक है जी? तो मैं एक आर्टिकल निकालता हूँ, गेटिंग स्टार्टेड कॉन्टेक्स्ट एपीआई रिएक्ट। अरे भाई, अरे भाई, ये एक आर्टिकल आ गया, ठीक है? गेटिंग स्टार्टेड विथ कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अभी ये नहीं है यार, क्या बकवास है, मेरा आर्टिकल क्यों नहीं आता टॉप पे? नाम लिख देता हूँ अपना मैं। हाँ, ये आ गया, सही है, नाम लिखने से आता है। अच्छा, ये आर्टिकल मैंने लिखा था 2-3 साल पहले, उस वक्त ये नया नया आया था, उस वक्त लोगों को पता नहीं था और इंटरनेट पे इसकी कोई हेल्प वगैरह कोई ऐसी खास मौजूद नहीं थी, तो ये मैंने अपने लिए लिखा था एक्चुअली। लेकिन ये है कि टीचिंग में भी बड़े बड़े काम आया, क्योंकि ज़ाहिर है कॉन्टेक्स्ट एपीआई की जो अभी भी रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर वो
उस तरह से नहीं लिखा हुआ इन्होंने कि एक्चुअली यूज़ कैसे होगा, ठीक है, वो जस्ट टूल्स इंट्रोडक्शन करवा दिए कि दिस इज़ द टूल। अच्छा, और यही बात मैंने यहाँ पे मेंशन भी की है वाई दिस आर्टिकल, कि मैंने ये क्यों लिखा है आर्टिकल, ठीक है। इसका रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ना उस वक्त कंपोनेंट उस पर थी, क्लास कंपोनेंट्स के ऊपर बनी हुई थी सारी, अब तो थोड़ी बहुत उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर ली है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना ये बताया है कि जी वाई कॉन्टेक्स्ट एपीआई, जो मैंने अभी आपसे ब्रीफली जिक्र किया कि जी वो अलग से करना पड़ता है उसको लाइब्रेरी को इंस्टॉल, और दूसरा ये कि जो है ना npm ट्रेंड में भी जो है, अभी हम npm ट्रेंड को ज़रा अभी भी खोल के देखते हैं ना, मोबेक्स वर्सेस रिएक्ट वर्सेस रिडक्स वर्सेस रिकॉइल, सीधा ही चल रहा है अभी तो फिलहाल ये, इसमें रिडक्स कौन सा, येलो वाला है, और ये वाला रिएक्ट है। वेल पता नहीं क्या लिखा था मैंने इसमें, कॉन्टेक्स्ट एपीआई तो क्योंकि अलग से कोई चीज़ है नहीं, तो उसका npm से अलग कोई लाइब्रेरी नहीं है, तो इसलिए उसको तो npm ट्रेंड में वैसे भी देखा नहीं जा सकता, ठीक है जी। ये वो दोनों लड़के हैं ना, ओरिजिनल ऑथर्स ऑफ रिडक्स, ये दोनों लड़के हैं, तो आप इनके बारे में अगर आप देखेंगे ना, तो ये इन्हीं दोनों ने 2016 से इनका कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। ये कौन सी वाली रिपॉजिटरी है, रिएक्ट की रिपॉजिटरी ऑफिशियल, और इन्होंने ही सारा कोड लिखा है ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई वाला। अच्छा, लेट्स स्टार्ट कोडिंग के सेक्शन में आके, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जी आप एक ने फाइल बनानी है आपने कॉन्टेक्स्ट डॉट जे एस के नाम से, ठीक है। अच्छा, ये जो फाइल है आपकी कॉन्टेक्स्ट डॉट जे एस, ये एज इट इज़ बनानी है आपने, ठीक है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी। तो मैं एग्जैक्टली क्या करता हूँ, जिस तरह यहाँ पे बताया गया है उसी तरह मैं क्या करता हूँ, कॉन्टेक्स्ट डॉट जे एस की एक फाइल बना लेता हूँ, कहाँ पे, मैं अपने एस आर सी के फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो एस आर सी के फोल्डर में आता हूँ मैं, और कॉन्टेक्स्ट डॉट जे एस के नाम से एक फोल्डर यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, ठीक है, और इस पूरे को मैं कॉपी करता हूँ, सेव कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ क्या है यहाँ पर जी, रिड्यूसर डॉट जे एस के नाम से एक और फाइल बनानी है मैंने, और इसके अंदर ये रिड्यूसर का कोड मैंने पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये दो फाइलें बन गई, दैट्स इट, ये दो फाइलें जो है यही मेरा दोनों की दोनों फाइल जो है वो यही मेरी क्या है, डेटा स्टोर है। अच्छा, मेरा डेटा स्टोर बन चुका है और बन के रेडी हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने अपने ऐप डॉट जे एस की फाइल के अंदर आके इसको इंक्लूड करना है यहाँ पे, और इसको एज अ प्रोवाइडर यहाँ पे पास करना है, ठीक है। ये प्रोवाइडर पास करना हमने रिएक्ट राउटर डॉम में भी देखा था थोड़ा सा, कोई बता पाएगा कि हम क्यों प्रोवाइडर इस तरह पास कर रहे होते हैं। हम प्रोवाइडर यहाँ पे इस वजह से पास कर रहे होते हैं कि वंस ये प्रोवाइडर, हम इसको मतलब पूरी की पूरी ऐप को हम इस प्रोवाइडर में जब रैप कर देते हैं ना, तो इस प्रोवाइडर के हाथ में कंट्रोल आ जाता है, किसका, मेरी ऐप का, ठीक है। इस प्रोवाइडर के हाथ में क्या आ जाता है, कंट्रोल आ जाता है मेरी ऐप का, ठीक है। अच्छा, इस प्रोवाइडर को कुछ ऐसी भी मतलब आपको चीज़ें मिलेंगी, कुछ ऐसी लाइब्रेरीज मिलेंगी जिसमें ये प्रोवाइडर पास करने के बजाय ना यहीं ऐप के अंदर एज अ प्रॉप भी चीज़ों को पास किया जा रहा होता है, ठीक है। इस तरह से भी किया जा सकता है, लेकिन प्रोवाइडर जो है वो क्लासिक वे है, ज़रा जो शुरू से प्रोवाइडर वाला तरीका चला आ रहा है। वेल, तो मैं जैसे ही ये प्रोवाइडर पास करूंगा ना, तो मेरी ऐप के अंदर कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ आ जाएंगी जो पहले नहीं थी, क्योंकि वो जो दोनों फाइलें वो तो मैंने अलग बनाई हैं, अभी जो दो फाइलें मैंने बनाई वो तो बिल्कुल अलग बनाई हैं, उन दो फाइलों का इन्फ्लुएंस जो है ना मेरी ऐप के ऊपर आ जाएगा ऐसा करने की वजह से, है ना। अदरवाइज़ ये देखो, अगर मैं रिएक्ट राउटर डॉम वाला कोड दिखाऊँ तुम्हें, तो ये जो मैंने ऐप डॉट जे एस के अंदर ये लगाया हुआ है राउट्स, है ना, और इसके अंदर ये इतने सारे राउट हैं और एक वक्त में एक दिखता है, इसको कैसे पता चल रहा है कि इस वक्त यूआरएल में क्या है, इसको तो नहीं पता लग रहा। वो असल में पता ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे ना ये इसका प्रोवाइडर पास किया हुआ है, ये ब्राउज़र राउटर करके, और इसको इसके अंदर ऐप को रखा हुआ है मैंने,
तो एक्चुअली ब्राउजर राउटर अब मेरा मेन कंपोनेंट है, ऐप मेरा क्या है, उसका चाइल्ड है. तो ये इसके अंदर क्या हो रहा है, इन चीज़ों को हैंडल किया जा रहा है वो, एंड रिएक्ट राउटर डॉम वो चीज़ें खुद से हैंडल कर रहा है. तो रिएक्ट राउटर डॉम देख रहा होता है हर वक्त यूआरएल को, जैसे ही यूआरएल चेंज होता है तो इसको क्या करता है, इंटरनली चेंज करता है, जो मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा होता है ये. यानी हमें हमारी ऐप के अंदर हमें फील भी नहीं होता कि कुछ हुआ है इस तरह का. अगर हम अपने ऐप के अंदर कंपोनेंट के अंदर जाते हैं तो उसको बिल्कुल नॉर्मली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं. तो प्रोवाइडर से क्या हो जाता है, मेरी ऐप में कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ आ जाती हैं जो इससे पहले मौजूद नहीं थी. अच्छा, क्या आपको खुद का प्रोवाइडर बनाना आना चाहिए? इसका जवाब है नहीं, आपको अपना प्रोवाइडर बनाना नहीं आना चाहिए. ठीक है, ये उन लोगों को आना चाहिए जो लाइब्रेरी लिख रहे हैं या जो इस तरह के कंपोनेंट्स बना के उसको पब्लिश कर रहे हैं एनपीएम के ऊपर. ठीक है, जैसे जिन लोगों ने रिएक्ट राउटर डॉम बनाया है तो उनको तो ये आना चाहिए प्रोवाइडर बनाना. लेकिन आपको एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, क्या आपको प्रोवाइडर बनाना आना चाहिए? इसका जवाब है नहीं. आता है तो अच्छी बात है, मगर वैसे ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो एक्चुअली हुआ हुआ क्या है यहाँ पे, कि अगर मैं इंडेक्स के ऊपर वापस आऊँ अपने यहाँ पर, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, इस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को ऐसे इंडेक्स के ऊपर मैंने इम्पोर्ट करना है, और इम्पोर्ट करने के बाद ये कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को इसमें रैप कर देना है. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को इसमें रैप कर दिया मैंने, ये कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर हो गया, और उसके अंदर फिर ब्राउजर राउटर हो गया. तो एक्चुअली इससे हमें पता क्या लगा, कि जो चीज हम ये कॉन्टेक्स्ट की फाइल से इंपोर्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, वो एक प्रोवाइडर है, और एक प्रोवाइडर हमने इसके अंदर बनाया है एक्चुअली, है ना, एक प्रोवाइडर हमने क्या किया हुआ है, इसके अंदर बनाया हुआ है. लेकिन ये प्रोवाइडर जो बना हुआ है ना यहाँ पे, ये आपको आना नहीं चाहिए. आपको आना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उस आर्टिकल में वो बना के दिया हुआ है पहले से, और हर दफ़ा ये इसी तरह लगेगा. तो अगर आता हो तो अच्छी बात है, नहीं आता हो तो कोई मसला नहीं है. ठीक है, अच्छा ये एरर किस खुशी में आ रहा है, एरर इस खुशी में आ रहा है कि इसको, अच्छा कॉन्टेक्स्ट के फोल्डर के अंदर कॉन्टेक्स्ट है ना, एक कॉन्टेक्स्ट का फोल्डर एक्चुअली मुझे बनाना था यहाँ पे, जो कि मैंने नहीं बनाया. कॉन्टेक्स्ट का एक फोल्डर बनाना था मुझे. ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर ये दोनों फाइलें चाहिए थी मुझे, और रिड्यूसर कहाँ गया मेरा, रिड्यूसर भी इसके अंदर चाहिए था मुझे. ठीक है, अभी भी एरर है, किस खुशी में अभी भी एरर भाई. ओके ओके ओके, फाइल का सी कैपिटल है, यहाँ पे तो मैंने स्मॉल बताया हुआ है, उधर मैंने कैपिटल लिखा हुआ है. सही है, चलो सी कैपिटल है, उसको स्मॉल कर देते हैं. तो ये मेरा सारे के सारे एरर क्या हो गया, ख़त्म हो गया. अच्छा, इसी तरह कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी ये रिड्यूसर का आर कैपिटल है ना, इसका भी आर स्मॉल कर देते हैं. और ये डबल कोटेशन कैसे आ गया, अजीब सा आ गया. कैसा डबल कोटेशन आ गया ये, सही है, और सब कुछ ओके, सब ओके. ठीक है, तो अभी हमें रिड्यूसर और कॉन्टेक्स्ट की ना फाइल को अभी हम समझने की जरूरत नहीं है अभी. अभी पहले इसको हम जरा चला के देख लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है. सही, वंस ये चलने लग जाएगा फिर हम आगे देखते हैं क्या होगा. अच्छा, तो ये अब मेरा क्या हो गया, यहां तक मेरा जो सेटअप था वो कंप्लीट हो गया. यहाँ तक जो मेरा सेटअप था कॉन्टेक्स्ट एपीआई का, यानी कि डेटा स्टोर बनाने का जो प्रोसेस था मेरा, वो क्या हो गया, अब कंप्लीट हो गया. अच्छा, अब क्या होगा, इस डेटा स्टोर के अंदर, चलो बल्कि पहले इसको समझ लेते हैं कि इसके अंदर हुआ हुआ क्या है. कॉन्टेक्स्ट डॉट जे एस के अंदर मैं गया, कॉन्टेक्स्ट डॉट जे एस के अंदर जब मैं जाता हूँ ना, तो ये जो मेरा डेटा है, इसको देख रहे हो गौर से, ये मेरा एक स्टेट वेरिएबल है. ये जो मेरा डेटा है ये क्या है, ये एक स्टेट वेरिएबल है. अच्छा, इसके अंदर एक चीज लिखी हुई है डार्क थीम ट्रू, एक लिखा हुआ है यूजर. इसमें मैं और भी चीजें लगा सकता हूँ, जैसे मुझे इज लॉग इन चाहिए था ना, मैंने कहा कि इज लॉग इन नल, ये मैंने चीज लगा दी. अब ये इज लॉग इन नल को मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी पूरी ऐप में कहीं पे भी मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ. ठीक है, और एंड एंड दिस दिस इज जस्ट एन स्टेट वेरिएबल. ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है ये एक स्टेट वेरिएबल है. हम ये बात जानते हैं कि स्टेट वेरिएबल में जब ऑब्जेक्ट को सेव करवाया जाता है तो उसको अपडेट कैसे करते हैं, है ना, याद है ना, उसको ट्रिपल डॉट लगा के जो स्प्रेड ऑपरेटर, यानी इसको क्लोन करते हैं एक्चुअली. तो जब भी मुझे क्या करना होगा, इस ऑब्जेक्ट को अपडेट करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्लोन
क्लोन करके उसको, यानी इसमें जो भी चेंजेस करनी हो वो करूँगा और नया क्लोन ला के उस पर सेट करूँगा तो अपडेट हो जाएगा, जैसे हम एक सिंपल स्टेट वेरिएबल को अपडेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे यहाँ पे क्या हुआ भाई, ये अभी इसको ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा तो ये इतना समझ आ गया हमें। अच्छा अब आओ ज़रा, हम इसको जो है ना कभी भी डायरेक्ट चेंज नहीं करेंगे, हम इसको हमेशा चेंज करते हैं रिड्यूसर के ज़रिए। मिसाल के तौर पे जैसे जब इसको डेटा को रीड करना होगा, अभी हमने किया नहीं है, अभी हम दोनों काम करने जाएंगे ना, इसको रीड करेंगे हम पूरी एप्लीकेशन में, किसी भी जगह खड़े होकर इसको हम रीड कर सकते हैं, रीड हो जाएगा। इसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे जैसे स्टेट वेरिएबल को करवाते हैं, और जब इसमें चेंजेस आएंगी तो स्क्रीन पे भी चेंज हो जाएगा। रीड करना तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन जब इसमें मुझे कोई चेंज करना होगा तो मैं इसमें, वैसे तो क्लोन करके हम चेंज करते हैं ये बात हम जानते हैं, लेकिन कभी भी मैं इसमें डायरेक्ट चेंज नहीं करूँगा। मैं एक बनाऊँगा छोटा सा फंक्शन, मिसाल के तौर पे जैसे ये देखो यूज़र है ना, इसके अंदर एक चीज़ लिखी हुई है या इज़ लॉगिन है। अब इज़ लॉगिन जो है जब चेंज होगा तो इसकी जगह क्या आएगा, अभी नल है, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, है ना, कोई तीसरी चीज़ तो नहीं आ सकती। अच्छा इसी तरीके से जो यूज़र है मेरा, यूज़र में क्या आएगा, या तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा अगर कोई यूज़र है, लॉगिन कोई नहीं हुआ हुआ यूज़र इस वक्त, ठीक है, अभी इस वक्त जो यूज़र लॉगिन है उसका, क्योंकि देखो ईमेल मुझे हर जगह शो करानी है ना पूरी ऐप में, तो मुझे यूज़र का पूरा ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ स्टोर करवाना है कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, तो चलो मैंने स्टोर करवा दिया, लेकिन इस यूज़र के वेरिएबल में और क्या आ सकता है, या तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट या नल या एम्प्टी ऑब्जेक्ट जो भी रखना चाहूँ मैं, लॉग आउट होने की सूरत में हो सकता है मैं नल कर दूँ इसको, या तो यूज़र का ऑब्जेक्ट, कोई तीसरी चीज़ इसके अंदर नहीं आ सकती, समझ रहे हो ना। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, इसको अपडेट करने के लिए मैं दो फंक्शन बनाऊँगा, एक मैं बनाऊँगा लॉगिन, लॉगिन में मैं इसको ऑब्जेक्ट दूंगा जो कि रखवाएगा इसके अंदर, वो फंक्शन रखवाएगा, मैं डायरेक्ट हाथ से नहीं रखवाऊंगा, और एक मैं फंक्शन बनाऊँगा लॉगआउट, लॉगआउट में मैं कोई चीज़ नहीं दूंगा, जस्ट उसको खाली करवाऊँगा मैं लॉगआउट में, समझ रहे हो। उन फंक्शंस को हम कहते हैं रिड्यूसर्स। अच्छा उन फंक्शन को बनाने का क्या रीज़न है, ये एक जनरल प्रैक्टिस है। अच्छा ये मुझे कॉन्टेक्स्ट एपीआई वाले ये नहीं कह रहे कि आप इस तरह फंक्शन बनाओ, कॉन्टेक्स्ट एपीआई वाले कह रहे हैं कि अपडेट करोगे तो अपडेट हो जाएगा, दैट्स इट। ये फंक्शन मैं खुद बना रहा हूँ, ये खुद क्यों बना रहा हूँ, अच्छा रिडक्स में भी ये चीज़ जनरल प्रैक्टिस में रही है रिडक्स के अंदर, कि हम ना रिड्यूसर बनाते थे डेटा स्टोर को अपडेट करने के लिए, इसमें भी हम करते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई में भी, जनरल प्रैक्टिस रही है ये जनरल प्रैक्टिस हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई वालों ने नहीं बोला कि आप इस तरह करो। हम क्यों करते हैं ये काम, हम इसलिए करते हैं क्योंकि मेरी ऐप के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे भाई, मेरी ऐप में 200 कंपोनेंट्स हैं और 15 अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, कोई किसी कंपोनेंट पे काम कर रहा है, कोई किसी पे कर रहा है, तो अब डेटा स्टोर के अंदर ना क्या चीज़ इस वक्त मौजूद है, दैट शुड बी प्रिडिक्टेबल, कोई ऐसी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। मिसाल के तौर पर अब यूज़र का जो मेरा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या ईमेल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यूज़र का एक ऑब्जेक्ट है ना यूज़र, इसके अंदर एक ईमेल फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये होना चाहिए, और उनकी स्पेलिंग क्या होनी चाहिए। अब किसी बंदे ने फर्स्ट नेम का एन कैपिटल रख के सेव करा दिया, किसी ने स्मॉल रख के सेव करा दिया, लो गेम उतर गई, सही है। अब होगा क्या कि आपने कंपोनेंट में अपने मिसाल के तौर पर फर्स्ट नेम कैपिटल एन रखा था कैमल केस में, और उसी तरह से आप उसको प्रिंट करवाते थे, अब किसी ने क्या किया उसको स्मॉल एन से सेव करा दिया किसी पॉइंट पे आके, यानी उसके कंपोनेंट से जब कोई बटन क्लिक होता है तो उसने उसको चेंज करा दिया स्मॉल एन से करा दिया, तो ये मसला हो सकता है बहुत बड़ा, कि हर कंपोनेंट से जब ये अपडेट हो रहा है ना, जब एक ऐसा स्टेट वेरिएबल है जो किसी भी कंपोनेंट से अपडेट हो सकता है, तो ये मसला है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको किसी कंपोनेंट से अपडेट नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम एक बंच ऑफ फंक्शंस बना देते हैं, और उन फंक्शंस को हम बता देते हैं कि जी जिस कंपोनेंट वाले बंदे को भी इसको चेंज कराना हो तो वो ये फंक्शन कॉल करे, वो क्या करे, वो ये फंक्शन कॉल करे। अच्छा उस फंक्शन के अंदर मिसाल के तौर पे अब लॉगिन का फंक्शन होगा ना जो इस यूज़र के ऑब्जेक्ट को पॉपुलेट करेगा, है ना, लॉगिन के नाम से एक फंक्शन होगा जिसमें कुछ ना कुछ डेटा डाल के कोई बंदा कॉल करेगा किसी भी कंपोनेंट से, 200 कंपोनेंट में किसी भी कंपोनेंट से, मोस्ट प्रॉब्ली वो लॉगिन का कंपोनेंट होगा कि जी लॉगिन के कंपोनेंट पे क्या हुआ, बंदे ने ईमेल पासवर्ड लिखा, लॉगिन का बटन दबाया, एपीआई हिट हुई, एपीआई हिट के रिस्पांस में मुझे पूरा यूज़र का ऑब्जेक्ट मिला। अब वो यूज़र का ऑब्जेक्ट लॉगिन के कंपोनेंट से कहाँ रखवाया जा रहा है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में डेटा स्टोर में रखवाया जा रहा है, तो अब वो क्या करेगा, वो लॉगिन का कंपोनेंट एक फंक्शन कॉल करेगा जो कि मैंने बना के प्रोवाइड किया हुआ है, यहाँ से डेटा स्टोर मैनेजर हूँ मैं, मिसाल के तौर पर मैं इस ऐप का
इंचार्ज चल रहा हूँ अभी मार्केट में, सही है, मैं एक सुपरवाइजर हूँ जो पूरा इसको ओवरलुक कर रहा है। और मैंने बोला भाई ये वाला जो काम है ना डेटा स्टोर वाला, ये मैं ही देखूंगा, ये कोई और नहीं देखेगा। तो मैंने, मुझे मेरी जिम्मेदारी है कि ये डेटा स्टोर के अंदर मामला बिल्कुल कड़क चल रहे हैं, सेट चल रहा हूँ। तो मैं एक फंक्शन बना के दूंगा लॉग इन कंपोनेंट वाले को कि बच्चा आपने ये फंक्शन कॉल करना है। अच्छा, उस फंक्शन में वो यूजर को ऑब्जेक्ट दे के कॉल करेगा। अच्छा, अब वो यूजर के ऑब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, एक्स वाई जेड, जो भी चीजें दी उसने। अब उसने अगर मिसाल के तौर पे फर्स्ट नेम का एन उसने स्मॉल कर दिया और डेटा फंक्शन में पास किया, फंक्शन हिट हुआ, उस फंक्शन को जो मिला फंक्शन ने यहां रखवा दिया, ये तो कहानी वहीं आ गई घूम के, ये तो कहानी वहीं आ गई घूम के। अब इसका बताओ हल क्या है। भाई मैं कह रहा था ना डेटा डायरेक्ट अपडेट नहीं करेगा कोई, तो मैंने फंक्शन बना के दे दिया। अब फंक्शन में भी उसने गलत डेटा डाल के पास करके मुझे दे दिया और वो आके सेव हो गया यहाँ। अब इसका क्या हाल है। बिल्कुल सिंपल समझो इसको कि एक स्टेट वेरिएबल है जो कि आपके कंपोनेंट में नहीं है। अभी तो, अभी तक जो हमने कंपोनेंट के अंदर स्टेट वेरिएबल बनाए थे ना, एक स्टेट वेरिएबल है जो आपके कंपोनेंट के अंदर नहीं है, बट आपके पास एक फंक्शन अवेलेबल है। फंक्शन का मतलब है कि डू लॉग इन या मेक लॉग इन या जो भी समा हो, जो भी मैंने नाम रख दिया कि यूजर अंडरस्कोर लॉग इन, वो फंक्शन मेरे पास मौजूद है। उसमें मैं पूरा यूजर का ऑब्जेक्ट डालूंगा और उस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मेरे कंपोनेंट से बाहर कहीं स्टेट वेरिएबल होंगे, वहाँ जाके वो सेव हो जाएगा। अब ये इसमें तो कुछ भी ऑब्जेक्ट डालोगे तो वो जाके सेव कर देगा ना, हैं? अपर केस लोअर केस मैंने कुछ चेंज कर दिया, मिसाल के तौर पर फर्स्ट नेम डाला ही नहीं मैंने, सिर्फ लास्ट नेम डाला, ईमेल डाला और आगे डाल के मैंने उसको सेव करा दिया। इसका क्या हाल है। रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं हम, जो फंक्शन कॉल किया गया है, क्योंकि भाई डेटा स्टोर का मैनेजर तो मैं हूं ना, मैंने अपनी टीम को, जो अलग अलग कंपोनेंट्स में मेरी अलग अलग टीम के बंदे काम कर रहे हैं, उनको मैंने क्या किया हुआ है, मैंने वो फंक्शन बना बना के दिए हुए ना, तो मैं उस फंक्शन को बनाने वाला मैं हूं। तो उस फंक्शन में जो इनपुट आ रहा है वो मैं बताऊंगा ना कि कैसा होना चाहिए, तो मैं उस फंक्शन में स्ट्रिक्ट किस्म की वैलिडेशन लगाऊंगा कि जी अगर कोई बंदा यूज़र के लॉगिन का फंक्शन कॉल कर रहा है, यानी इस यूज़र ऑब्जेक्ट, इस यूज़र की के ऑब्जेक्ट को पॉपुलेट कराने के लिए कोई फंक्शन मैंने बना के दिया है, अब वो फंक्शन कोई कॉल करता है ना, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि उस फंक्शन का इनपुट अगर सही हो जब ही मैं अपडेट करूँ, अदरवाइज ना करूँ। अगर उस फंक्शन के इनपुट में कोई गड़बड़ है तो मैं रिजेक्ट मारूँ, वापस भेजूँ उसको, उस फंक्शन के कॉल को मैं फेल करा दूँ, कर सकता हूँ ना मैं ये काम। तो इससे ही क्या चीज़ हो गई, स्ट्रीमलाइन हो गई। दोबारा से पूरा सेटअप समझा रहा हूँ मैं क्या हुआ है। समहाउ मैंने एक स्टेट वेरिएबल बना लिया है जो कि मेरे कंपोनेंट में नहीं है, है ना, मेरे कंपोनेंट से बाहर है, ठीक है। और उसका डेटा जब रीड करता हूँ मैं, उसका डेटा जब मैं रीड करता हूँ तो किसी भी कंपोनेंट में खड़े होकर रीड करूँगा, जस्ट लाइक प्लेन स्टेट वेरिएबल वो रीड हो जाएगा। उसको अगर मैं स्क्रीन पर प्रिंट करवाता हूँ तो वो स्क्रीन पर चेंज भी खुद ही खुद होगा, है ना, ये बात समझ आ गई। जब उस स्टेट वेरिएबल को चेंज करने की बारी आएगी तो मैं उस स्टेट वेरिएबल को डायरेक्ट चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं, ठीक है। एज अ डेटा स्टोर मैनेजर मैं क्या करूँगा, बंच ऑफ फंक्शंस बना लूँगा कि जी ये फंक्शन चलेंगे तो ये स्टेट अपडेट होगी, अदरवाइज डायरेक्ट ये स्टेट अपडेट नहीं होगी। और वो फंक्शन मैंने बांट दिए सबको। अब जिस 200 कंपोनेंट्स हैं मेरी ऐप में, किसी भी कंपोनेंट से किसी डेवलपर ने कोई स्टेट अपडेट करानी है तो वो उनमें से कोई फंक्शन इस्तेमाल करेगा। अब मिसाल के तौर पे किसी डेवलपर को कोई ऐसी चीज़ अपडेट करानी है जिसका फंक्शन मैंने बनाया नहीं है, तो मुझसे बोलेगा कि यार मुझे ऐसे ऐसा भी एक डेटा इसमें रखवाना है तो उसका मुझे बना कर दें, तो मैं उसको बना कर दूंगा, सही है। जैसे अभी इस डार्क थीम ट्रू है इस वक्त, तो डार्क थीम को ट्रू फॉल्स कराने का मैं एक फंक्शन बना के दूंगा और उसमें वैलिडेशन लगाऊंगा कि ट्रू फॉल्स ही होना चाहिए इसके अंदर, ऐसा ना हो कि कोई कुछ और लिख दे, यस नो लिख के ना भेज दे कोई, ठीक है, ट्रू फॉल्स। तो मैं क्या करूँगा, एक बंच ऑफ फंक्शन बना के वहाँ पे रख दूंगा, तो उस फंक्शन को कॉल करके इसको स्टेट को अपडेट कराया जाएगा। थ्योरी सब लोगों को समझ आ गई है वाली, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अच्छा, रिड्यूसर का जो ये फाइल है ना, ये भी
एज इट इज रहेगी हर दफा। ये रिड्यूसर वाली जो फाइल है ये भी क्या रहेगी, हर दफा एज इट इज रहेगी। अच्छा, इसको आप समझते हैं, लेकिन पहले जरा रीड कराने वाला जो काम है, ठीक है, इस यूजर के अंदर यहाँ पे मैं कुछ एक बात लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ कि यार नेम, ठीक है, सम रैंडम नेम। तो मैंने एक ये की लिख दी है यहाँ पे। मैं पहले क्या करता हूँ, इसको किसी कंपोनेंट के अंदर जाके रीड करवाता हूँ और वहाँ पे इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ कि क्या होता है। सही है, तो पहले रीड करवाने का काम करते हैं और फिर वो रिड्यूसर के फंक्शंस को देख के उससे ज़रा चेंज करवाने वाला काम भी समझ लेते हैं कि कैसे होता है। अच्छा, कैसे है जी, इस आर्टिकल में वापस आ जाते हैं, कंपोनेंट के अंदर जाके। अच्छा, मेरा कौन सा कंपोनेंट है जिसमें मैंने करवाना है, मिसाल के तौर पर लॉगिन वाले कंपोनेंट पर चलता हूँ मैं, लॉगिन वाले कंपोनेंट पे मैं गया, ठीक है, ये मेरा लॉगिन का कंपोनेंट आ गया। यहाँ पे जाके मैंने क्या करवाना है, अगर मैं इस ऐप को रन भी कर लूँ साथ साथ, इस ऐप को ये रन हो रही है ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी रन हो रही है ये। अच्छा, ये एक्चुअली लॉगिन है इस वक्त, तो इसलिए ये वहाँ जाएगा नहीं। एप्लीकेशन में जाके मैं क्या करता हूँ, इसका टोकन उड़ा देता हूँ यहाँ से और रिफ्रेश करूँगा तो ये अब मुझे लॉगिन के पेज पे जाने देगा। तो ये लॉगिन जो लिखा हुआ है ना, इस लॉगिन के एन नीचे मैं वो वाली चीज़ को प्रिंट करवाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैं एक H2 बनाता हूँ, ओ एक H2 बनाता हूँ और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे वो वाली चीज़ मैं प्रिंट करवाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, कैसे आर्टिकल में बताया गया है कि इसको रीड करें, नंबर एक उस फाइल को जो कि कॉन्टेक्स्ट वाली जो फाइल है उससे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे इंपोर्ट करवाया गया। तो आ जाओ जी, सबसे पहले ये इंपोर्ट करा लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, ये भी हर हर कंपोनेंट में ये एक जैसा ही होगा, ये इंपोर्ट वाली जो लाइन है, ठीक है। दूसरी चीज़, यूज़ कॉन्टेक्स्ट को रिएक्ट के अंदर से इंपोर्ट करवा लिया, ठीक है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे भी करा सकता हूँ, चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी कॉमा लगा के कर दूँ, क्योंकि यूज़ इफेक्ट के साथ साथ एक यूज़ कॉन्टेक्स्ट नाम की यहाँ पे भी चीज़ करा सकता हूँ मैं, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि मैं उसको अलग से लाइन लिखूं या एक ही लाइन में करवा दूं। तो यहाँ पे मैंने यूज़ कॉन्टेक्ट, तो ये दो चीज़ें मैंने इंपोर्ट करवा ली, और ये दो चीज़ें इंपोर्ट करवाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपने कंपोनेंट के अंदर आके इस तरह से स्टेट को बनाऊँगा, ठीक है, इस तरह से स्टेट को बनाऊँगा। तो ये वाली जो अभी स्टेट बनी है, स्टेट और डिस्पैच, ये जो स्टेट बनी है, ये वाली स्टेट, इस स्टेट के ऊपर डॉट लगा के ना मुझे कॉन्टेक्स्ट एपीआई की तमाम वैल्यूज एक्सेस हो रही होंगी, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा आके, कि मैं स्टेट डॉट करके ना इस तरह कोई भी चीज पकड़ूंगा तो मुझे मिल जाएगी। तो मेरे केस में भी जो ये स्टेट डॉट करके मुझे क्या मिलना चाहिए, स्टेट डॉट नेम, ठीक है। तो यहां पे मुझे एक्सेस हो जाना चाहिए जो रैंडम नेम मैंने लिखा है, व्हाट हैपेंड। अच्छा, वो कॉन्टेक्स्ट की स्पेलिंग अगेन ना, ये कैपिटल है, इसको स्मॉल कर देता हूँ मैं अभी। स्टिल इसी में ही कोई प्रॉब्लम है, मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं पेजेस के अंदर खड़ा हुआ ना, तो पेजेस से बाहर आया मैं एक स्टेप और कॉन्टेक्स्ट में गया, सही तो है। अच्छा, यहाँ से मैं, अच्छा, दो दफ़ा मुझे आना पड़ेगा एक्चुअली बाहर, ठीक है, दो दफ़ा आना पड़ेगा मुझे बाहर, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, एक दफ़ा बाहर आने से मैं इधर आया हूँ, फिर दूसरी दफ़ा बाहर आने से मैं इधर आऊँगा, फिर मैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाऊँगा ऐसे, ठीक है। तो अब ये ठीक हुआ है, तो ये हो गया जी मेरे पास। तो यहाँ पर मेरे पास जो सम रैंडम नेम था वो क्या हो गया, एक्सेस हो गया। अब इसी तरह मुझे किसी भी कंपोनेंट में जाना है, अब यही वैल्यू मैं कहाँ पर एक्सेस करवा लेता हूँ, मैं साइनअप के अंदर जाके एक्सेस करा लेता हूँ, साइनअप के पेज में। तो मैं जी जाता हूँ साइनअप के पेज के अंदर, ठीक है, ये मेरा साइनअप का पेज आ गया। यहाँ पे भी मैं साइनअप के पेज पे मूव कर जाता हूँ, ये साइनअप का पेज है। तो साइनअप के पेज पे भी मैं सेम वैल्यू को क्या करवा सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। ये साइनअप है, इसके नीचे मैं एक H2 बनाता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पे भी मुझे क्या करवाना है, नेम को यहाँ पे प्रिंट करवाना है। कैसे करवाऊँगा मैं, यहाँ पे आके मैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्ट करूँगा और मैं क्या इम्पोर्ट करूँगा, कॉन्टेक्स्ट स्लैश कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ से मैं
ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को करूंगा और मैं अपने कंपोनेंट के अंदर आगे क्या बनाऊंगा, जो मैंने वहां पे बनाया था। ओहो ठीक है, ये मैंने बना लिया। और यहां पे आके मैं क्या लिखूंगा, स्टेट डॉट नेम। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो काम है ना, ये स्टेट बनाना और ये इसको इम्पोर्ट करना और ये इसको इम्पोर्ट, ये तो ये काम फिक्स है। उसके बाद मैं नीचे जैसे जाऊँ डॉट डॉट लगा के उसको एक्सेस करता रहा हूँ। तो मैं साइन अप पे भी आता हूँ तो मुझे यही चीज़ एक्सेस हो गया। अब मैं लॉग इन पर भी यही चीज़ लिख रहा हूँ, साइन अप पर भी यही चीज़ लिख रहा हूँ। तो समहाउ अगर ये चीज़ चेंज होती है ना, तो ये दोनों जगह पे चेंज होगी। अगर मैं यहाँ पे आके उसको चेंज कर दूँ, ठीक है, और ए बी सी लगा दूँ इसके आगे आके, तो ये क्या हो जाएगा, सब जगह ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, किसी बटन के क्लिक पे भी अगर ये चेंज होता है तो ये सब जगह ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, जस्ट लाइक ए स्टेट वेरिएबल। ठीक है, तो मैं लॉग इन पर जाता हूँ या साइन अप पर जाता हूँ तो ये मुझे उसी तरह से मिल रहा होगा। तो यहाँ तक हमारा जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई से वैल्यूज़ को रीड करने वाला जो मामला था वो तो यहाँ पे सेटल हो गया। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। अब हम आ जाते हैं इसको चेंज कराने वाला जो हमारे पास क्या कहते हैं तरीका है, वो क्या है। अच्छा, इसके लिए मुझे आ जाते हैं रिड्यूसर्स के ऊपर। रिड्यूसर्स के ऊपर ना आप देखें, कुछ मेरे पास ना फंक्शंस बने हुए हैं यहाँ पे ना। ठीक है, एक्चुअली ये फंक्शंस नहीं है, फंक्शन एक ही है, ये फंक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसर, सिर्फ एक फंक्शन है। अच्छा, उस फंक्शन के अंदर बंदा जो है वो क्या करेगा, बंदा उसमें दो चीज़ें डालेगा। एक उसके अंदर डालेगा वो टाइप, ठीक है, और दूसरा उसके अंदर वो डालेगा पेलोड। ठीक है, अच्छा, तो टाइप के अंदर एक बना हुआ है यूज़र लॉग इन, एक बना हुआ है यूज़र लॉग आउट। तो ये तो पहले से फिक्स है। यूज़र लॉग इन के अंदर क्या होता है कि बंदा पेलोड में एक ऑब्जेक्ट डाल के भेज रहा होता है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा होता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे वैलिडेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी हम इस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं पढ़ते, हम अभी एक नया इसके अंदर रिड्यूसर बनाते हैं। ठीक है, एक नया रिड्यूसर बनाते हैं, जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी केस, अच्छा ये स्विच स्टेटमेंट लगी हुई है, ये आप सब लोगों को समझ आ रहा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, चेंज ठीक है, चेंज नेम, ठीक है जी, चेंज नेम करके मैंने एक नया बना दिया रिड्यूसर। और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, मैं रिटर्न करता हूँ क्या चीज़, स्टेट। अच्छा, ये थ्री डॉट में क्यों लगा रहा हूँ, सर नमाज के लिए भेज जी भेज दो, ये थ्री डॉट में लगा रहा हूँ उसको क्लोन करने के लिए। राइट, मैंने यहाँ पे क्या गड़बड़ की, अच्छा इसको क्लोज नहीं किया। और इसके अंदर जो नेम की जो प्रॉपर्टी है मेरी, नेम के नाम से प्रॉपर्टी थी ना जिसको मैंने चेंज करना है, तो मैंने कहा भाई पूरे के पूरे स्टेट को पहले ऐसे यहाँ पे स्प्रेड मारो, उसके बाद नेम के अंदर क्या लगा दो, जो एक्शन डॉट पेलोड में जो चीज़ है वो लगा दो। ठीक है, तो अब हम आके इसको, ये मैंने एक बना दिया यहाँ पर, और अब इसके ज़रिए मैं नेम को क्या कर रहूँगा, चेंज कर रहूँगा। तो मैं जाता हूँ अपने लॉगिन के पेज पे, और लॉगिन के पेज पे जाके मैं एक बटन बना देता हूँ इसी नेम के फ़ौरन बाद। क्या कर देता हूँ मैं, एक बटन बना देता हूँ, ठीक है, चेंज नेम कर देता हूँ मैं। ठीक है, और इसके ऑन क्लिक के ऊपर मैं चेंज नेम हैंडलर करके ऐसे एक छोटा सा फंक्शन बना देता हूँ। ठीक है, कि इस बटन पे जब क्लिक होगा तो ये फंक्शन चलेगा। ठीक है, ये फंक्शन चलेगा। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या करना है, समहाउ मैंने उस नाम को चेंज करवाना है। अच्छा, नाम को डायरेक्ट चेंज नहीं करवाना है, बल्कि इस रिड्यूसर के जरिए चेंज करवाना है। तो आज आर्टिकल में देख लेते हैं कि किस तरह से चेंज करने के लिए बताया गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे चेंज करना इस तरह से बताया गया है कि आप डिस्पैच के फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे जो दो आया है ना, एक स्टेट आया है, एक यहाँ पे स्टेट आया, एक डिस्पैच आया है, तो डिस्पैच के फंक्शन को आप कॉल करेंगे। ठीक है, किस तरह से कॉल करेंगे, इस तरह से कॉल करेंगे। आ जाओ इसको आप कॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये डिस्पैच के फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। डिस्पैच के फंक्शन को कॉल करते हुए मैं कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ चेंज नेम। ठीक है, अच्छा अगर ये एक्शन का मैंने नाम गलत लिखा तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि ये इधर आएगा स्विच स्टेटमेंट पे, स्विच स्टेटमेंट पे ये पहले को मैच करेगा, दूसरे को करेगा, तीसरे को करेगा, अल्टीमेटली डिफॉल्ट पे ना रिटर्न स्टेट ही हो जाएगी, जो स्टेट है वही रहेगी, स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर मैंने क्या कर दिया, नेम अंडर स्कोर चेंज या कुछ मैंने गलत कर दिया इसका नाम, तो ये हिट होगा ही नहीं। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा जैसा था ये पहले। तो वेल, मैं वापस लॉग इन पर आया और मैंने कहा कि भाई चेंज अंडर स्कोर नेम। ठीक है, तो मैं मेक श्योर कर लेता हूँ कि जी चेंज अंडर स्कोर नेम हो गया। अच्छा, इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, पेलोड में कुछ नाम डाल के भेजना होगा। अभी पेलोड में क्या डाला हुआ है, पूरा ऑब्जेक्ट डाला हुआ है, तो अब की बार पेलोड में मैं नाम डालूंगा,
मैं बोलूँगा कि यार नेम क्या कर दो, मलिक कर दो नेम इसका, ठीक है, नेम क्या हो गया, मलिक हो गया। अच्छा तो अब क्या होगा, इस बटन को दबाते ही मेरा नेम चेंज हो जाना चाहिए। आ जाओ देखते हैं, रिफ्रेश करता हूँ मैं बटन, अच्छा लॉगिन पे आया ना बटन, बटन दबाते ही क्या हो गया, ये चेंज नेम मलिक हो गया। अब मैं साइनअप पे जाऊँगा तो वहाँ पे भी मलिक हुआ, हालांकि साइनअप पे बटन नहीं है चेंज करने का, ये दोनों जगह मलिक हो गया। अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो डिस्पैच है ना इसके अंदर वैलिडेशन भी लगा सकता हूँ मैं, जो कि मैंने लगाई भी नहीं थी, लगा लेता हूँ अभी आके। मैं बोलता हूँ जनाब कि इफ़, भाई ये तो मुझे पता लग गया ना कि नेम चेंज करने की कोशिश कर रहा है बंदा, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ इफ़। मैं कहता हूँ यार इफ़ एक्शन डॉट पेलोड जो है ना, अब ये पेलोड है ना जिसके अंदर मुझे एक स्ट्रिंग वैल्यू मिल रही होगी, मैंने कहा एक्शन डॉट पेलोड जो है, अगर क्या है उसकी टाइप ऑफ जो है, ठीक है, ये मैंने पूरा इसको ना वो कर दिया, इसने खुद ही मुझे बना के दे दिया, ठीक है, एक छोटी सी वैलिडेशन मैंने यहाँ पे लगा दी कि जी टाइप ऑफ एक्शन डॉट पेलोड इक्वल्स टू स्ट्रिंग होना चाहिए, एंड स्ट्रिंग होना चाहिए, और स्ट्रिंग के अलावा मैं इस पे क्या लगा देता हूँ कि एक बात और लिख देता हूँ कि यार ऐसा होना कि इसकी जो लेंथ है ना स्ट्रिंग की, वो कम से कम 3 कैरेक्टर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, और मैक्सिमम मैक्सिमम जो है वो 20 कैरेक्टर होनी चाहिए, ठीक है। तो एक ये पहली बात हो गई, एंड मैंने कहा कि जी एक्शन डॉट पेलोड जो है ना, डॉट लेंथ जो है वो क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए 3 से, स्पेस बोले तो, हाँ वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि ट्रिम करो उसको, ठीक है। अच्छा स्ट्रिंग पे डॉट लेंथ मिलती है ना मुझे, स्ट्रिंग पर डॉट लेंथ मिलती है मुझे, नहीं मिलती, हाँ मिलती है मुझे, ट्रिम ट्रिम देख लेते हैं ट्रिम कैसे होता है, हाँ ये ऐसे ट्रिम होता है, ठीक है, टेक्स्ट डॉट ट्रिम होगा। तो मैंने कहा कि भाई एक्शन डॉट पेलोड डॉट ट्रिम डॉट लेंथ, कि भाई ट्रिम का मतलब क्या होता है कि लास्ट से और शुरू से स्पेसेस को ख़त्म कर देता है, दरमियान में स्पेस होगा उसको कुछ नहीं करता ये, बाय द वे, ठीक है, दरमियान में कोई स्पेस होगा ना उसको कुछ नहीं करता ये। तो ये मैंने क्या कर दिया, एक वैलिडेशन ये लगा दी। अच्छा इसने मुझे और भी कुछ सजेस्ट किया है कि इसने कहा कि यार 20 से छोटी होनी चाहिए और 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये मैंने 3 4 तरह की वैलिडेशन मैं इस पर लगा देता हूँ। अच्छा अगर ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई करती हैं तो मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ कि जी क्या हो गया, ये पेलोड अपडेट हो गया। एल्स, एल्स में कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पे, एल्स में क्या कर सकता हूँ, अभी एल्स में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, रिटर्न स्टेट पहले दो कि भाई स्टेट में कोई चेंज नहीं करना, रिटर्न स्टेट करवा दी मैंने, ठीक है, उसके अलावा यहाँ से मैं कोई एरर वगैरह भी थ्रो करवा सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं कोई एरर थ्रो नहीं करवा रहा हूँ, फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ जस्ट कि अगर वैलिड होता है तो अपडेट कर देता हूँ, अदरवाइज मैं कुछ नहीं करता। तो आगे देखते हैं अब क्या होता है, मैं लॉगिन के पेज पे अगेन जाता हूँ, ये मेरा पेज हैंडलर है ना, तो मैं इस पे क्या करता हूँ, अब एम ए करता हूँ सिर्फ, 3 कैरेक्टर से कम, तो ये अब बटन प्रेस करने पे ना अपडेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, बटन प्रेस करता हूँ मैं, ठीक है, बटन प्रेस करता हूँ तो अपडेट नहीं होता ये, हालांकि यहाँ पे चेक चेक हो रहा है ये। अभी रिड्यूसर पे जाके अगर मैं कंसोल लगा दूँ ना, ओ चेंजिंग नेम यहाँ पे मैंने लिख दिया तो ये आएगा स्टिल, मैं जब इस बटन को हिट करूंगा ना तो चेंजिंग नेम आ रहा है यहाँ पे, लेकिन नेम चेंज हो नहीं रहा क्योंकि वो इफ पास नहीं हो रहा। अच्छा अगर मैं क्या कर दूँ यहाँ पे आके इसको बढ़ा दूँ मैं, एम ए एल आई के पूरा कर दूँ इसको मैं, तो ये क्या करेगा, अब इसको ये चेंज कर देगा, ठीक है। तो इस तरह मैं वैलिडेशन लगा सकता हूँ कि इस डिस्पैच के ऊपर अगर वो डेटा वैलिड हो जब ही वो अपडेट हो, अदरवाइज वो अपडेट ना हो, ठीक है। तो हमने क्या सीख लिया, हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई को सेटअप करना सीख लिया, उससे डेटा को रीड करवाना सीख लिया, और उसके अंदर डेटा को राइट करना हमने सीख लिया। अच्छा ये रिड्यूसर के अंदर ये एक फंक्शन ये पड़ा हुआ है, एक्चुअली फंक्शन नहीं है ये, फंक्शन तो एक ही है रिड्यूसर, लेकिन इसके अंदर क्या है ये एक केस ये पड़ा हुआ है। तो इस तरह से मेरे पास चेंज थीम भी है। देखो यूज़र डॉट लॉगआउट में मैं क्या करता हूँ, कोई पेलोड वगैरह कुछ नहीं लेता, मैं डायरेक्ट यूज़र को नल करवाता हूँ,
तो मैं इस तरह यहाँ पे बंच ऑफ फंक्शंस, फंक्शन नहीं बंच ऑफ केसेस मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, जिसमें मैं डिफरेंट सिचुएशन को, डिफरेंट केसेस को यहाँ पे मैं हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। और बेहतर तरीका यही कि इसी तरह इसको अपडेट किया जाए, बावजूद इसके कि डायरेक्ट भी अपडेट किया जा सकता है, लेकिन ये रिड्यूसर से अपडेट करने वाला तरीका जो है वो मच बेटर तरीका है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, अब वापस ऑथ गार्ड की तरफ हम मूव करते हैं।